बुद्ध जयंती के अवसर पर 16 मई को भिक्खु संघ के नेतृत्व में धम्म रैली शाम 4 बजे निकाली जाएगी। भंते ज्ञान ज्योति ने पत्र परिषद में बताया कि रैली की शुरुआत भीम चौक जरीपटका से होगी। रैली इंदौरा चौक, गट्टी गोदाम चौक, संविधान चौक, वैरायटी चौक, जनता चौक, रामदास पेट होते हुए दीक्षा भूमि पहुंचेगी। शहर के समस्त बुद्ध विहार, विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा दीक्षा भूमि में बुद्ध जयंती का संयुक्त आयोजन किया गया है। शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में धम्म रैली का आयोजन सुबह 7 बजे किया गया है। पत्र परिषद में पीएस खोबरागड़े, अमन कामले, प्रीतम बुलकुंडे, विलास देशभ्रतार, कमलेश खांडेकर आदि उपस्थित थे। भावो इमस्मिन लोक, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। जब हम सभी, चाहे किसी संप्रदाय के लोग हो, जब हमने मनुष्य जन्म लिया तो पिछले जीवन में बड़े सजगता के साथ में सांस पर ध्यान करते करते या संवेदनाओं को उदय वय जानते जानते प्रज्ञा के आधार पर सजगता से अपनी पुरानी काया को त्याग दिया। इसीलिए कुशल विपाक उपेक्षा सहगत संकीर्ण चित्त, यह चित्त उत्पन्न हुआ। यही मनुष्य जन्म का मूलाधार है। ऊपरी ऊपरी तौर से हमको लगता है कि हमारे माता पिता ने जन्म दिया है, लेकिन हमारे चित्त की उत्पत्ति हमारे माता द्वारा, हमारे माता पिता द्वारा नहीं की गई। हमारे स्वतंत्र अस्तित्व का ये स्वभाव होता है। जब चित्त कैसे उत्पन्न होता, हमारे वैज्ञानिकों के पास में अभी तक कोई ऐसा उपकरण नहीं संशोधित किया गया, तो जब भी कहीं होगा तो इसका पता लगे। बबल चैम्बर के आधार पर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जो बबल चैम्बर है, उनमें एक सेकंड में एक इस आंकड़े पर 22 बिंदियां लगा दी जाए। जय भीम करता हूँ और मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं जीतू बंसोड़, बेजबाग नागपुर से। हमारा संगठन युवा भीम मैत्री संघ पिछले 15 साल से धम्म और सामाजिक क्षेत्र पर काम कर रहा है। जैसा कि आपने भी पत्रकार परिषद में आपने जाने कि 16 मई को जो बुद्ध जयंती का एक मार्च भीम चौक से होता हुआ दीक्षा भूमि तक के उसका समापन है। समापन का ये उद्देश्य है कि उस दिन तथागत की पूरे विश्व में जयंती का पर्व मनाया जाता है। तो कंसेप्ट ऐसा डिजाइन हुआ कि जो धम्म रैली हमारे पिछले एक महीने से गांव खेड़े में, कस्बों में और हर जगह पे जो धम्म रैली के माध्यम से जो प्रचार हो रहा है, जो हमारे भावुक है, जो हमारे श्रद्धावान नागरिक है, वो बड़े बढ़ चढ़ कर उस रैली में, विहार में सजावट का हो या बस्ती में सजाने का जो उनका कंसेप्ट हो, तो हर साल ये हो रहा है। पिछले 2 साल से शायद कोरोना की वजह से नहीं निकल पाया, लेकिन इस बार से थीम और डिज़ाइन किया गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती तो हम लोग हर वर्ष में बहुत अच्छे से मनाते ही मनाते हैं, लेकिन जैसा नागपुर की जो भूमि है, एक प्रेरणा स्थान के माध्यम से नागपुर की भूमि को हम लोग देखते हैं और श्रद्धा के स्थान से हम लोग देखते हैं, तो इस बार हम सभी लोगों ने, छोटे छोटे संगठन, बड़े संगठन ने मिल के जो धम्म रैली जो निकलने वाली है हमारी 16 मई को, तो उसका जो समापन एक भव्य रूप से हम लोग दीक्षा भूमि पर करने जा रहे हैं, तो जिसमें समता सैनिक दल से लेके और भी संगठन इसमें योगदान है। मैं सभी के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, पत्रकार भाई लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नियोजन हमने किए हैं, जो नियोजन हम कर रहे हैं, जिसके रूपरेखा हमने आकलन की है, तो आप सभी आमंत्रित हो और सभी लोग उस दिन को, महाकरु तथागत की जो एक विश्व में मनाई जाती हुई बहुत बड़ी जयंती है, उसमें आप भी शामिल हो। तो आपके माध्यम से मैं सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ और वहाँ पर उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।